हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू गाइज आर गुड। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है गिट में, वो बहुत ही ज्यादा गाइज कह तो यूनिक टॉपिक है, चेरी पिक। राइट, सो गाइज यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे चेरी पिक के बारे में, एंड बहुत ही आराम आराम से पढ़ेंगे कि क्या होता है चेरी पिक, कैसे हम लोग करें, कौन सी कमांड होती है, क्यों करें। सो हर एक चीज हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चेरी पिक। जैसे कि आपको यहाँ लिखा हुआ दिखा आ ही रहा है गाइज कि चेरी पिक इट मींस के पर्टिकुलर पिक एनी कमिट, यानी कि किसी भी कमिट को आप पर्टिकुलर किसी भी कमिट को आप पिक कर सकते हो, पिक मतलब ले सकते हो। राइट, तो गाइस होता कुछ ऐसा है कि दो ब्रांच है, एक मास्टर ब्रांच है और एक डेव ब्रांच है, और आप चाहते हो किसी भी ब्रांच की कमिट को आप पिक करना चाहते हो एंड दूसरे ब्रांच में मर्ज करना चाहते हो, सो दैट इज कॉल्ड चेरी पिक। राइट, सो यहाँ पे आप देख ही सकते हो फिगर में, ये फिगर में बाद मैं समझाती हूँ आपको, पहले मैं नीचे थ्योरी पढ़ लेती हूँ। तो गाइस जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि चेरी पिकिंग इज अ फीचर इन गिट दैट अलाउज यू टू अप्लाई अ स्पेसिफिक कमिट फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। यही मैंने आपको भी बताया कि किसी दूसरे ब्रांच की डेव ब्रांच की कमिट को आप मास्टर में चेरी पिक करना चाहते हो। राइट, मतलब एक ब्रांच की दूसरे ब्रांच की कमिट आप किसी और ब्रांच में चेरी पिक करना चाहते हो। राइट, दिस कैन बी यूजफुल इफ यू वॉन्ट टू इनकॉर्पोरेट ए पर्टिकुलर कम चेंजेस और फिक्स इन टू अनदर ब्रांचेज। राइट, मतलब एक ब्रांचेस की चेंजेस को आप दूसरे ब्रांचेस की ब्रांच में चेंज करना चाहते हो विदाउट मर्जिंग, यानी कि वहाँ मर्ज नहीं करना है आपको, आपको विदाउट मर्जिंग ये काम करना है। राइट, द इंटायर ब्रांच टू चेरी पिक ए कमिट यू सिंपली आइडेंटिफाई द कमिट हैज एंड अप्लाई इन टू द टारगेट ब्रांच यूजिंग द गिट चेरी पिक। तो गाइज आप इसको कैसे करोगे, गिट चेरी पिक यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे मैंने किया है, गिट चेरी पिक एंड सिंपली आपकी कमिट जो भी जनरेट होगी वो आईडी। राइट, बस इतना सा आपको करना है, आपकी चेरी पिक हो जाएगी। देन यहाँ पे लिखा है कि दिस क्रिएट्स अ न्यू कमिट इन द टारगेट ब्रांच विद द चेंजेस फ्रॉम द ओरिजिनल कमिट। ओके, keep in mind that cherry picking can lead to conflicts if the same changes have already been made in that target branch. okay, so yahan pe conflict aane ke chances bhi rehte hain, because agar aapka same commit same aapka file raha ya kuch bhi raha to wahan pe kya hoti hai ki conflict aa jate hain. right, agar aaya conflict, agar hamare video mein aisa kuch to main aapko solve karke bhi bataungi ki how to solve that conflict. okay, then so it's important to review the changes carefully before applying them. so aap ek bar check kar lo चेरी पिक करने से पहले कि कुछ मेरा वैसा तो नहीं है कुछ जिससे मेरा कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस रहे। सो गाइस अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली जो कमिट थी आपकी यहाँ पे ये एड दिस, और यहाँ पे अभी हेड कौन सा था मास्टर में, एडिट मास्टर फाइल। राइट, तो ये कमिट हट गई और ये कमिट वहां पे चली गई। अभी यहाँ पे एड दिस वाली कमिट थी ना, तो ये एड दिस वाली कमिट कहाँ चली गई, यहाँ पे चली गई। अब देख सकते हो जैसे ही मैंने यहाँ पे चेरी पिक किया तो ये वाली कमिट उठ के यहाँ चली गई, अब देख सकते हो यहाँ पे। राइट, तो गाइस बेसिकली, और एडिट मास्टर वाली कमिट वो बेसिकली पीछे हो गई। तो गाइस बेसिकली यही है कि किसी भी पर्टिकुलर कमिट को चेरी पिक करना। राइट, एंड गाइज एक चीज मैं और आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे ये नोट्स के साथ साथ यहाँ पे हर एक नोट से रिलेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, एंड इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो अगर आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ना है नोट्स के साथ, तो आप नोट्स भी इजिली यहाँ से आप बना सकते हो, और साथ ही वीडियो भी आप यहाँ से देख सकते हो। राइट, तो सो ज्यादा क्लियर आपको हो जाने वाला है। तो गाइज चलिए फटाफट से चलते हैं हम लोग अपने इंस्टांस पे, एंड वहाँ पे जाकर देख लेते हैं कि हम लोग चेरी पिक कैसे करें। ओके, सो गाइज ये आ गई मैं अपने इंस्टांस पे, यहाँ पे मैं सिंपली अभी यहाँ पे चल जाती हूँ, मैं पहले इसको अपडेट कर देती हूँ। ओके, तो sudo apt-get एंड उसके बाद इसको क्या करना है, मेरे को अपडेट करना है, तो सिंपली अपडेट कर देती हूँ इसको। और उसके बाद जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो मैं एक यहाँ पे फोल्डर बना लूंगी, और उस फोल्डर को मैं बेसिकली इनिशियलाइज कर दूंगी। ओके, सो इतना काम आप भी कर लेना खुद से। राइट, मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ, सो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आने वाला है, आई होप। ओके, सो गाइज ये हो गया डन। अब मैं यहाँ पे आपको एक फोल्डर बना देती हूँ, mkdir, और फोल्डर ही नाम रख देते हैं इसका, ठीक है। तो फोल्डर बना दिया, और उसके बाद इस फोल्डर के अंदर चली जाती हूँ और इस फोल्डर को कर देती हूँ इनिशियलाइज। ओके, सो इतना काम मैंने यहाँ पे कर दिया, अब इसको कर देती हूँ मैं क्लियर। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं कुछ यहाँ पे फाइल बना लेती हूँ। राइट, सो सिंपली vim और फाइल बना लेती हूँ, master1.txt, बिकॉज डिफॉल्ट ब्रांच आपकी गिट में मास्टर ही होती है, तो master1.txt ऐसा मैं बना लेती हूँ। और इसमें कुछ लिख देती हूँ कि मास्टर
क्या लिखूं इसमें, लाइक हाय ऐसा कुछ मैंने लिख दिया, और उसके बाद मैं सिंपली इसको कर देती हूँ सेव। अब इसको कर देती हूँ मैं सिंपली एड, और उसके बाद इसको कर देती हूँ मैं यहाँ पे सिंपली कमिट, गिट कमिट हैव फन एम, और मैसेज दे देती हूँ दिस, राइट दिस, सॉरी दिस इज माय मास्टर कमिट। ओके, कुछ ऐसा मैंने कर दिया, अब ये सिंपली ऐड हो गया। अब एक और फाइल बना लेती हूँ, मास्ट वी आई एम मास्टर 2.txt, राइट। तो उसके बाद ये भी बना लिया, और यहाँ पे लाइक कुछ मैंने लिख देती हूँ, लाइक दिस इज माय फाइल, राइट, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, और सिंपली इसको भी कर देती हूँ मैं यहाँ पे सेव। ओके, और उसके बाद इसको भी क्या करना होगा, मेरे को ऐड करना होगा, और सिंपली इसको भी मेरे को कमिट करना होगा। तो दिस इज माय मास्टर कमिट टू, ऐसा कुछ कर देते हैं, दिस इज माय मास्टर कमिट टू। तो ये भी हो गया मेरा ये कमिट। तो गिट लॉग डैश डैश वन लाइन अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरी दो कमिट है, राइट। एंड मैं अभी करंटली कौन से ब्रांच में हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मास्टर ब्रांच आ ही रहा है कि मैं अभी मास्टर ब्रांच में हूँ। सो गाइज, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट कर लेती हूँ। सो सिंपली गेट चेक आउट, और उसके बाद हैफन बी, और ब्रांच का नाम दे देती हूँ लाइक डेव। ओके, सो देन गाइज, अब मैं यहाँ पे भी कुछ फाइल क्रिएट कर लेती हूँ, लाइक यहाँ पे तो ये मास्टर वाली ये आ गई, मेरी फाइल आ गई। अब मैं यहाँ पे भी एक कुछ फाइल क्रिएट कर लेती हूँ, लाइक dev1.txt, राइट, कुछ ऐसा फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लाइक दिस इज माई इम्पॉर्टेंट फाइल, राइट, मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे लिख दिया, और मैं सिंपली इसको कर देती हूँ सेव, और इसको कर देती हूँ मैं सिंपली ऐड, और इसको कर देती हूँ मैं यहाँ पे कमिट हैफन एम, और सिंपली यहाँ पे डेव फाइल डेव कमिट ऐसा कुछ कर देते हैं यहाँ पे, राइट, डेव कमिट। उसके बाद मैं सिंपली इसको कर देती हूँ कमिट, और उसके बाद मैं दोबारा से एक और फाइल लाइक बना लेती हूँ, तो वी आई एम और dev2.txt, राइट, ऐसा मैंने एक और फाइल बना लिया, और यहाँ पे भी लाइक लिख देती हूँ कुछ, तो हेलो। ओके, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, और उसके बाद मैं सिंपली इसको कर देती हूँ सेव, और इसको करती हूँ गेट एट डॉट, और उसके बाद सिंपली इसको कर देती हूँ कमिट हैफन एम, और उसके बाद यहाँ पे लिख देती हूँ लाइक dev commit टू, ऐसा मैंने कर दिया, और ये भी हो गया मेरा सेव। इसको मैं कर देती हूँ फिलहाल क्लियर। अब यहाँ पे गेट लॉग डैश डैश वन लाइन अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा चार कमिट है, जो कि दो मेरा मास्टर का है और दो मेरा हेड का है। ओके, अब मैं क्या करना चाहती हूँ ना, कि जो मेरी मास्टर की कमिट है, ये कमिट को मैं यहाँ लाना चाहती हूँ, राइट। सो मैं वो कैसे लाऊंगी, सो उसके लिए हम लोग के पास कमांड है चेरी पिक। सो गाइज, अब मैं यहाँ पे आपको कमिट चेरी पिक करके बताती हूँ कि कैसे आप चेरी पिक करोगे, राइट। तो सिंपली बहुत ही ईजी है, गेट चेरी पिक, ओके, गेट चेरी पिक, और उसके बाद यहाँ पे लेकिन मेरे को इस कमेंट को चेरी पिक करना है, तो मैं इसको कर लूंगी यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे कर दूंगी पेस्ट, और उसके बाद सिंपली एंटर, राइट। सो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि ठीक है यहाँ पे लिखा आ रहा है कि इफ यू विश टू कमिट इट एनी वे यूज इतना, तो आप सिंपली इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लो एंड यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दो, ओके, देन एंटर करो। अब सो गाइस, जब आप इस तरह से करोगे तो आपके सामने एक नैनो एडिटर जो होगा वो ओपन होगा। सिंपली आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स कर देना, और उसके बाद आप यहाँ पे गेट लॉग डैश डैश वन लाइन चेक कर लेना एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज माय मास्टर कमिट, ओके, और यहाँ भी आ गया मेरा दिस इज माय मास्टर कमिट। सो पहले आप देख सकते थे यहाँ पे आपका ये दिस इज माय मास्टर कमिट कहाँ पे था गाइस, यहाँ पे था, बट अब इस कंडीशन में आपकी ये चेरी पिक हो गई और आपकी जो मास्टर कमिट यहां से ये वाली उठकर यहां पे आ गई, राइट। सो इस तरह से आप किसी भी कमिट को चेरी पिक कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोग को ये चीज क्लियर हो गया हो कि चेरी पिक कैसे करते हैं, राइट। एंड एक चीज और गाइस, कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। सो कॉन्फ्लिक्ट आए तो डरना मत, कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ही ज्यादा गाइस इजिली आप रिजॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको नहीं आता है तो गाइस, मेरे को ठीक से याद नहीं, बट मैंने किसी ना किसी वीडियो में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना बताया है। सो आप उस वीडियो को वॉच कर लेना, सो आपको समझ आ जाएगी कॉन्फ्लिक्ट को
कैसे रिजॉल्व करते हैं। ओके सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो चलिए कल फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।